फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुट्टू के आटे के मालपुए। ये व्रत में खाए जाते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कप कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा भी आप यूज कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, दूध लेंगे हम 1/2 कप, चीनी चाशनी के लिए हमें चाहिए होगी 1 कप और 1 स्पून हम लेंगे विनेगर। सबसे पहले हम विनेगर को दूध में मिक्स करेंगे। एक मिनट चलाएंगे जिससे ये दूध फट जाता है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह नींबू भी यूज कर सकते हैं और दूध हमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे चाहिए होगा। ये देखिए, ये फट चुका है। अब हम बनाते हैं अपना डो। एक मिक्सिंग बाउल में हम सबसे पहले लेंगे आटा, इसमें मिलाएंगे मिल्क पाउडर और साथ में पिसी हुई चीनी। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम अपना जो हमने दूध फाड़ा है ये धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। ये मालपुए का डो बनके हमारा तैयार हो गया है। आप देख लीजिए, इस फॉर्म में हमें ये चाहिए होगा। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, जब तक हम अपनी बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे सबसे पहले 1 कप चीनी और उसका बिल्कुल 1/2 पानी। हाफ क्वांटिटी में पानी लेना है हमें। गैस को करेंगे मीडियम फ्लेम पे। हम अपनी चीनी रिजॉल्व होने तक इसको अच्छे से चलाएंगे। 2 से 3 मिनट में चीनी पूरी घुल जाती है। चीनी हमारी पूरी तरीके से घुल गई है। इसमें हमें 2 से 3 मिनट ही लगते हैं चीनी को घुलने में। बस इसी स्टेज पे हमें इसको बंद कर देना है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर पिसा हुआ और 1 ड्रॉप नींबू। ज्यादा नींबू नहीं डालना है, बस थोड़ा सा हम इसमें नींबू डालते हैं और यहाँ पर हम इसको कर देंगे बंद। चाशनी हमारी तैयार है। अब हम मालपुए बनाएंगे। शुरू करते हैं मालपुए बनाना। मालपुए आज हम बनाएंगे तवे पर, इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। चलो फ्राई करेंगे। सबसे पहले तवे पे थोड़ा सा लगाएंगे हम घी। थोड़ा सा कोई सा अपना बैटर का लेकर सेंटर में डालेंगे। इसको लो फ्लेम पे ही हम पकने देंगे। थोड़ा सा ये नीचे से गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। जब नीचे से थोड़ा सा पक जाएगा तो ऊपर 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप हम डालेंगे घी और उसके बाद इसको टर्न करेंगे। ये आसानी से अपने आप ही छूट जाता है, देखिए आराम से निकल गया है। इसको इस तरह से हम टर्न करेंगे। साइड में 1 ड्रॉप हम लगाएंगे घी। अब ऑयल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा सिकता है, उसके बाद हम इसको साइड करके अपने दूसरे भी डाल सकते हैं। साइड में एक बार में 2-3 हम एक तवे पे 2-3 भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये अपने आप सिकने लगे हैं। उसी तरह हम इसको टर्न करते जाएंगे और साइड में करके अपना दूसरा डालते जाएंगे। देखिए, ये बनकर तैयार हो गए हैं। एक बार तवे पे मैंने 5 बनाए हैं। दोनों साइड से ये अपने गोल्डन और क्रिस्प हो गए हैं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम सिकेंगे, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसको चाशनी में डिप करेंगे 1 बाय 1। इस तरह से डाल के बस दोनों साइड से पलटना है। बहुत ज्यादा देर इसको नहीं रखना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। दोनों साइड से चाशनी ऐसे हम डालेंगे और इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सभी मालपुओं को चाशनी में डिप करके निकाल लेंगे। ये सभी हमारे कुट्टू के आटे के मालपुए तैयार हो गए हैं बनकर। अब इसको हम बादाम से थोड़ा सा गार्निश करेंगे। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं और इसको एंजॉय करेंगे। ये व्रत में खाने वाली बहुत अच्छी मिठाई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।